जो हमने आज यहाँ पर मीटिंग रखी है, जो कोरोना इसमें रेड जोन जो हमारा ये बाग बला है, तो आने वाले जो ईद है और शब कदर है, दो बड़े अहम दिन हमारे आ रहे हैं, तो इस हवाले से हमने आज यहाँ पर इन सबों की एक मीटिंग बुलाई, जहाँ पर जिसमें PRI मेंबर जो सरपंच साहब हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, और हमारे जो यहाँ पर ज़ियाज़त जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इस रेड जोन में रहते हैं, उन सबों को बुलाकर यहाँ पर साथ में BDC जो चेयरमैन हमारा है उसको यहाँ पर बुलाकर, ताकि हम देखेंगे मिलजुल कर कि आने वाले दिनों के लिए हम किस तरह के इंतजाम करेंगे और कैसे करेंगे, कि हर चीज़ को मद्दनज़र रखकर कम से कम प्रोटोकॉल जो COVID-19 का प्रोटोकॉल है उसको मद्दनज़र रखकर, गाइडलाइंस है उनको मद्दनज़र रखकर, तो ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं उनको भी हम हासिल करें इस आने वाले इस बड़े इस दिन पर, जिनमें कुछ इशू होते हैं कि राशन का क्या है, कि राशन का मामला जो बराबर है, राशन का इशू है, गैस का इशू है, ज़रूरियात ज़िंदगी में, तो अब आने वाले दिन में जो इनके जो ख़रीदारी करनी है, कुछ लेना है दुकानों से, या गोश्त का मामला है, उन सब पर हमने पूरा इनसे मशवरा करके अपने इसको BDC चेयरमैन साहब को भी मैंने यहाँ पर लाया था, तहसीलदार साहब भी हमारे इस मीटिंग में थे, हर इशू को हमने नोट किया, और इंशाल्लाह रहमान आने वाले दिन में जो भी इनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको पूरा करेंगे, और ईद जो है आने वाली है या बड़ा दिन है, कोई मुश्किलात किसी को कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े, तो इसी चीज़ के लिए हमने यहाँ पर मीटिंग बुलाई है, ताकि हम मिलजुल कर काम करेंगे, इनसे कौन से जो इनको करना है, लोगों को करना है, कैसे करेंगे, ताकि हर चीज़ का प्रोटोकॉल का, हर चीज़ का ख्याल रखेगा, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखे, तभी हम इसमें कामयाब हुए हैं आज तक की उस एक केस से, तो पहले वाले जो 4 केस यहाँ पर थे, तो उसके बाद आज तक हमारा कोई नया केस नहीं आया है, वो इसीलिए नहीं आया कि जब तक मुझे इस सारे लोगों ने पूरा ताउन दिया, पूरा साथ दिया, और हर इस लॉकडाउन का जो भी नियम थे उन पर उनने पूरा सहयोग किया, तो हम इसमें इंशाल्लाह रहमान कामयाब हुए हैं कि कोई नया केस नहीं आया है, और ये भी दुआ कर रहे हैं आने वाले इस बड़े दिन पर कि अब मुश्किल से इस परेशान से हमारा मिले। और सबसे दूसरी बात मैंने इनसे ये भी कहा कि जो भी यहाँ पर हमारे कोई गरीब है, बेवा हैं, यतीम हैं, उनका भी ख्याल रखना है इस आने वाले दिन पर, वो हमें मिलकर रखना है, गवर्नमेंट क्या करेगी वो तो हमें अपनी जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है, इसके मैं अपील कर रहा हूँ हर एक को, हर एक रहने वाले को यहाँ को, कि इस चीज़ का ख्याल रखें, ताकि हर एक अपनी ईद अपने तरीके से अपने घर में खुशी और आराम से मनाए, तो मिलजुल कर मनाए, इसी लिहाज की मीटिंग थी ये मेरे यहाँ पर बुलाई, आज एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग थी ये, कि ताकि जो पूरे इंतजाम थे उनको हाथ में शक्ल दी, और आने वाले दिनों में सारे जो इनके ज़रूरत ज़िंदगी हैं वो इनको डोर स्टेप पर मुहैया हो जाएगी, और किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे, इसलिए हमें यहाँ पर